नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम समय चक्र में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारुशर। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का हमारा ये शो बेहद खास होगा, क्योंकि आज न सिर्फ साल के पहले दिन हम आपको आपका राशिफल बताएंगे, बल्कि जानेंगे कामकाजी लोगों के लिए कैसा रहेगा ये नया साल। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो फ्रेंड पंडित शशि शेखर त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय गणपति, नव वर्ष की अनंत शुभकामनाएं आप सभी को। तो आइए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग क्या है। संवत 2076 माह पौष शुक्ल पक्ष है, तिथि षष्ठी तिथि है, सायंकाल 6:28 तक, इसके उपरांत सप्तमी लग जाएगी। योग व्यतिपात योग है, चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं आज रात में 9:38 तक, इसके उपरांत वो मीन में चले जाएंगे। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, पंचक आज है और राहु काल दोपहर 12 से लेके 1:30 तक रहेगा। इस बीच में कोई भी शुभ कार्य नहीं करने हैं। वार बुधवार है और दिशा शूल उत्तर दिशा है, तो आज उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचना चाहिए। और अगर अति आवश्यक कोई कार्य से जाना पड़ता है तो तिल से बनी हुई चीजों का सेवन करके ही निकले। तो यह है आज का पंचांग। अब दर्शकों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है आज के राशिफल का, तो आइए जानते हैं शशि जी से पहली चार राशियों का राशिफल। मेष राशि वालों के लिए फोकस है, आज के दिन बड़े निवेशकों के लिए समय अच्छा है, जिसके चलते आपको काफी मुनाफा भी होगा। अलर्ट रहना है कि आज बड़े भाई के साथ विवाद ना करें, और अगर मन मुटाव पहले से चल रहा है तो उसको भी शांत करने का प्रयास करें। वृष राशि वालों के लिए फोकस है, आज अपनी कमियों से सीखना होगा, अपने काम में गलतियों को खोजना होगा और उसको ठीक कर लेना होगा। अलर्ट रहना है, मां को पेट से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए फोकस है, पौष्टिक भोजन आप ग्रहण करिए और मिलावटी भोजन से सतर्क रहिएगा, क्योंकि आज का दिन डाइट पर फोकस रखिएगा। अलर्ट है कि बनते बनते काम रुक सकते हैं और रुके हुए कार्य के कारण आपको तनाव हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए फोकस है, आज अगर कोई रिश्तेदार किसी संकट में है तो उसकी मदद करनी चाहिए, वो आर्थिक रूप से भी कुछ अगर कमजोर हैं तो आपको हेल्प करनी चाहिए। अलर्ट रहना है कि घर की बातों को लेकर झुंझलाने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा लोग आपसे दूर चले जाएंगे। तो ये था पहली चार राशियों का राशिफल। कहाँ पर करना है फोकस और कहाँ पर रहना है आपको अलर्ट, ये जाना। अब वक्त है खास विषय पर चर्चा करने का। दर्शकों, आज साल का है पहला दिन, तो आइए शशि जी से जानते हैं कि साल 2020 कैसा रहेगा करियर के हिसाब से, कामकाजी लोगों के लिए कैसा रहेगा ये नया साल। दर्शकों, आज हम लोग बात करते हैं कि 2020 में कैरियर कैसा होगा, अलग अलग राशियों का कैरियर को लेके क्या प्लान करना चाहिए, और बाकी विस्तार से तो हम आपको पूरे वर्ष के विषय में बता ही चुके हैं, आज कैरियर पर फोकस करते हैं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए जो ये वर्ष है ये बहुत अच्छा वर्ष है और बहुत एनर्जी के साथ, जैसे 2020 मैच खेला जाता है, बहुत तेज़ी के साथ आपको काम करना है, काम में फोकस करना है, या पूरी ये वर्ष का जो पूरा फोकस है वो कैरियर और डेस्टिनी, कर्म और भाग्य के इर्द गिर्द ही रहेगा। कठोर तप करिए, खूब मेहनत करिए, ये कैरियर को चेंज कर सकता है। जो लोगों का कैरियर शुरुआत है, अभी कैरियर शुरू कर रहे हैं, उनको तो जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए और उनको उन्नति मिलेगी। ओवरऑल जो ये वर्ष है इसमें आपको बहुत एक्टिव रहना है। उपाय में आपको ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा आलस नहीं करना है, यही आपका उपाय है, क्योंकि शनि देव आपको लीड करेंगे, वो करियर हाउस में है और ये वर्ष इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि ये वर्ष इसके बाद आपको मिलेगा 30 बाद। वृष राशि वालों के लिए जो ये वर्ष होगा इसमें ध्यान ये रखना है कि थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस पर आपको ध्यान देना होगा। देखिए, ऑफिस का काम तो बढ़ेगा, वर्कलोड जब बढ़ेगा तो आपके शरीर पे इसका असर आएगा, तो एक नियम बनाइए, हर चीज़ आपके उसमें डिसिप्लिन होनी चाहिए। देखिए, वृष माने होता है बैल, बैल
को अब खेत में जाना है, हल चलाना है, तो उसको फिजिकली फिट होना चाहिए। तो आपको अपने शरीर का ध्यान रखते हुए करियर पे पूरा फोकस करना चाहिए। इसके अलावा जो काम आप पहले से कर चुके हैं, कुछ लोगों का अगर प्रमोशन ड्यू है, कई बार से नहीं हो पा रहा है, तो इस वर्ष निश्चित होगा। देखिए, मिथुन राशि वालों पे आते हैं कि इनका 2020 कैसा होगा। ऑफिस में चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी, एक एक्सपोजर मिलेगा, कोई अचानक आपको बड़ा पद मिल सकता है। और ये बड़ा पद इसलिए नहीं मिलेगा कि कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रमोशन करके आए, आप पूरे एलिजिबल हैं, पूरा ज्ञान है, लेकिन उसके बाद भी अनएक्सपेक्टेड आपको लाभ हो जाएगा कि आपके ऊपर वाला व्यक्ति या आपके जो इम्पोर्टेंट पोस्ट पर है वो व्यक्ति ही कहीं चला जाए, कि दूसरी जगह जॉब में चले जाए, रिज़ाइन कर दे, तो आप प्रमोट कर दिए जाएंगे। इस तरीके की गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आपको इस वर्ष ध्यान ये रखना है कि ज्ञान का लेवल बढ़ाना है, कुछ पढ़ते रहिए, अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ नियम बनाइए कि कुछ बुक्स पढ़ेंगे, कुछ अच्छा डेटा पढ़ेंगे, क्योंकि ज्ञान आपको अपडेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति इस वर्ष पूरा आपको फोकस कर रहे हैं कि आपको ज्ञान आए। कर्क राशि वालों के लिए 2020 कैरियर वाइज कैसा होगा। देखिए, कैरियर वाइज अभी तक आपका जो समय था वो हो सकता है कि बड़े आराम से गुजरा हो, ऑफिस में बॉस के बहुत आप फेवरेट हो, लेकिन अब कुछ स्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि आपको बहुत काम करना पड़ेगा, और ये अच्छी बात है। इस समय आपको चुनौतियां मिलेंगी, और चुनौतियां तो मिलेंगी, लेकिन साथ में क्या होगा कि जो आपके सपोर्टिव हैंड हैं, हो सकता है कि आपके ऑफिस में कोई आपका राइट हैंड हो जो आपकी मदद करते हो, आपके टीम में हो, वो जॉब छोड़ दें, वो कहीं और प्रमोशन होकर चले जाएं, या आप कहीं और चले जाएं, कहीं ना कहीं आपको हैंड्स की कमी महसूस होगी, आपको टीम कम दी जाए और काम ज़्यादा दे दिया जाए। तो ये वर्ष आपको खूब एक्टिव रहना है, खूब फिजिकल मेहनत करना है, और ऑफिस में समय ज़्यादा व्यतीत होगा, जल्दी घर से जाना पड़ेगा, लेट घर पे आना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है कि कुछ हिडन एनिमी आपके ऑफिस में रहेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो हो सकता है कि आपके यहाँ जो काम करता है ऑफिस में है, तो आपका सबऑर्डिनेट है, कोई आपका अपना आपकी लीक पोल्स आगे बता सकता है। तो ऑफिस में अगर आप कोई बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास रहते हैं, कोई गोपनीय दस्तावेज रहते हैं, तो उसको बहुत संभाल के रखिएगा, क्योंकि वो मिसप्लेस हो सकते हैं और इल्ज़ाम आप पर आ सकता है। सिंह राशि वालों के लिए 2020 युद्ध जीतने का है, खूब मेहनत करनी है आपको, और ख़ास तौर से जो लोग प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय इस साल, खूब अच्छे से पढ़ाई करें और बिल्कुल समय बर्बाद ना करें। इसके अलावा ऑफिस में भी आपको नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और आप चुटकियों में सॉल्व करते जाएंगे, वही काम दूसरों के लिए कठिन हो जाएगा, तो आपको बहुत कठोरता के साथ श्रम करते रहना है। इसके अलावा ध्यान ये रखना है कि आपकी सफलता का जो कुछ कारण बनेगा वो बहुत निम्न वर्ग के लोग बनेंगे, यानी आपके ऑफिस में हो सकता है कि आपको फोर्थ ग्रेड का कोई व्यक्ति आपको बहुत हेल्प कर दे। कन्या राशि वालों के लिए ऑफिस का जो माहौल है वो बहुत मेधा प्रयोग करने वाला होगा, यानी आपको बहुत ब्रेन लगाना होगा, प्लानिंग करनी होगी, हो सकता है कि कुछ नया प्रोजेक्ट आपको मिले जिसकी ज़ीरो से आपको शुरुआत करनी हो, हर चीज़ आपको ग्राउंड तैयार करना होगा। और वहीं कुछ लोग ईर्ष्या भी करेंगे, वो आपका काम न बने इसका प्रयास करेंगे, तो आपको तो बस केवल हनुमान चालीसा का पाठ करिए। तुला राशि वालों के लिए ये समय जिन लोगों का काम ट्रेवल से संबंधित है, बाहर ज़्यादा रहते हैं, ऑफिस से आउटडोर वर्क ज़्यादा है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, खूब मेहनत करिए, रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। इसके अलावा जो लोग ऑफिस के अंदर काम करते हैं उनको बाहर जाने के ऑप्शंस मिल सकते हैं, हो सकता है ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन उसको लेके आप बिल्कुल आउटराइट रिजेक्ट मत कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में आपको लगता है कि ये तो बड़ा ख़राब हो गया, कि उस शहर में तो कोई हमको जानता भी नहीं है, यहाँ सब सेटल है। वो हर जगह होगा कि जब भी आप किसी स्थिर व्यवस्था से चर व्यवस्था में शिफ्ट करेंगे तो थोड़ा सा विचलन होता है, लेकिन उन्नति के द्वार खुल जाएंगे इसी के साथ। तो इसलिए बहुत सोच समझ के आपको इस वर्ष ये डिसीज़न लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्नति के द्वार भी खुलेंगे और जॉब में भी बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।
वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ये वर्ष है ये सबसे महत्वपूर्ण है अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। देखिए आप लोगों के लिए शनि की साढ़े साती भी समाप्त हो जाएगी और अब सारा फोकस काम पर। काम कहाँ से मिलेगा आपको? काम मिलेगा आपके संपर्क से, आपके मित्रों से, मार्केट से। तो जो लोग बाजार से संबंधित काम करते हैं या व्यापार करते हैं तो उनको अपने व्यवहार बढ़ाना चाहिए, उनको नए नए लोगों से मिलना चाहिए। जो लोग लाइजनिंग करते हैं उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों से मिलिए। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों से भी कुछ संबंध बनेंगे जो सरकारी लोग हैं। तो यानी कि ये पूरा वर्ष का जो सारा फोकस है अपने नेटवर्क को बढ़ाने में, और थोड़ा नेटवर्क बढ़ाने में इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। धनुराशि वालों के लिए ये जो वर्ष है ये बहुत रिलैक्स का वर्ष, काफ़ी चीज़ें अब सेटल हो जाएंगी, जो उथल पुथल चल रही थी ऑफिस में वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा कोई नया बॉस, कोई नया सीनियर आपके साथ जुड़ेगा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि वो बॉस पहले आपके साथ काम कर चुके हों तो बॉस का सम्मान करना होगा। मकर राशि वालों के लिए जो 2020 है वो ऑफिस में उन्नतिकारक तो है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, थोड़ी सी निगेटिव बात भी है कि ईगो आ सकता है, आपको किसी बात का कोई घमंड हो जाए, एटीट्यूड आ जाए, तो ऐसा मत करिएगा। क्योंकि शनिदेव यही चेक करने आ रहे हैं कि आपको अगर कुछ हम उन्नति दें, पदोन्नति करें, तो क्या आपका एटीट्यूड बदल जाएगा। ऐसे ही व्यापार में भी हो सकता है कि आप व्यापार करते हो और आपकी उन्नति होने लगे तो आपका व्यवहार बदल जाए, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। बहुत विनम्र रहते हुए अपना काम करते रहिए और एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा कैरियर में भी। एक अगर आपकी कोई नई ज्वाइनिंग है तो अच्छी ज्वाइनिंग होगी, मन मुताबिक आपको पद मिलेगा, काम मिलेगा, तो बहुत अच्छे से आप प्रदर्शन करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए जो ये वर्ष है ये है प्रॉफिट का। अगर आपको कोई जॉब बदलनी है, पोस्ट नहीं बढ़ रही है लेकिन सैलरी बढ़ रही है, ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि ये समय या और ये वर्ष पोस्ट को मत पकड़िए, आप पैकेज को पकड़िए। आपको धन की वृद्धि होगी, ऑफिस में सब ठीक चल रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है तो इंक्रीमेंट भी आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा जो लोग कमीशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं या ज़्यादा काम करने पर उनको कुछ इंसेंटिव मिलता है, उन लोगों के लिए भी काफ़ी लाभ रहेगा, उनको भी धन मिलेगा। यात्राएं भी रहेंगी, ऑफिशियल यात्राएं अगर आपको करने की कोई अवसर मिल रहा है या आपको भेजा जा रहा है तो आनंद के साथ जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो नेटवर्क डेवलप होगा, जो लोग मिलेंगे, वो हो सकता है कि आपको 5 साल बाद आपको लाभ दें, तो नेटवर्क जोड़ते चलिए। मीन राशि वालों के लिए 2020 डट कर काम करने का। ऑफिस में पिछले वर्ष जिस तरीके से भाग्य भरोसे काम चला, अब आपको बहुत मेहनत करनी है, खूब काम करना है, और इस काम करने से आपकी रेपुटेशन बहुत बढ़ेगी। देखिए सैलरी उतनी मिले या न मिले लेकिन आपका सम्मान बहुत होगा। तो इस वर्ष इस बात की गिल्टी नहीं करनी है कि पैसा नहीं बढ़ रहा, पद बढ़ रहा, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ये समय है, आपकी कीर्ति फैलेगी। तो शशि जी ने हमें बताया कि कामकाजी लोगों के लिए कैसा रहेगा ये साल 2020, तो अपनी प्लानिंग आप इसी हिसाब से करिएगा जिससे ये साल आपके लिए शुभ रहे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दर्शकों, चूंकि कार्यक्रम में वक्त है आपके सवालों के जवाब का। आपको बता दें कि अगर आपका भी कोई सवाल है, आपकी कोई समस्या है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपना सवाल अपनी डिटेल्स के साथ हमें ईमेल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा दर्शकों आप वीडियो संदेश के जरिए भी अपना सवाल हम तक भेज सकते हैं। हमारी डिटेल्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही हैं, तो आइए देखते हैं किसका है पहला सवाल इस वीडियो संदेश के जरिए। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम आयुषी ओझा है, मेरा जन्म स्थान प्रयागराज है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 12 नवंबर 1997 है। मुझे ये जानना है कि लाइक अभी मैं प्राइवेट जॉब कर रही हूँ तो मुझे कब तक सफलता मिलेगी और कितनी सफलता मिलेगी। आयुषी जी का प्रश्न है, प्राइवेट जॉब कर रही हैं, उन्नति होगी कि नहीं होगी, कहाँ तक होगी जानना चाहते हैं, भविष्य को लेकर चिंतित हैं। मकर लग्न है और मीन राशि, और देखिए आपकी दशा बड़ी पॉजिटिव चल रही है और कुंडली भी अच्छी है। देखिए आयुषी जी, बिल्कुल आप संशय मत करिए, अपने भविष्य को लेकर बहुत उज्ज्वल भविष्य है,
और बहुत उन्नति करेंगी। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ विदेश से संबंधित उन्नति हो सकती है, आप विदेश जा सकती हैं, इसके अलावा कैरियर वाइज जॉब करने जा सकती हैं या विदेशी कंपनी में आप जॉब कर सकती हैं। और ये ऐसा अवसर जब भी आपको मिलेगा आपके जीवन को बदलने वाला होगा, एक टर्निंग पॉइंट होगा और निश्चित रूप से आपका करियर बहुत अच्छा है। और कुछ अध्ययन, अध्यापन, मीडिया जगत और जो गुरु से रिलेटेड जितने वर्क हैं उसमें आपको काफ़ी दक्षता प्राप्त होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार है बाकी बची राशियों का राशिफल, साथ ही होगी आज की काम की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम समय चक्र में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय गणपति। तो आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बाकी बची राशियों का राशिफल जानें, लेकिन उससे पहले आज का दूसरा सवाल जानते हैं। तो आज का हमारा दूसरा सवाल है दीपक अरोरा का, डेट ऑफ बर्थ है 7 नवंबर 1992, समय है सुबह 8:55, जन्मस्थान है हरिद्वार। सवाल इनका कि इन्हें जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, क्या करें? दीपक जी का प्रश्न है कि जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, थोड़ा निराश लग रहे हैं। वृश्चिक लग्न है और मीन राशि है, ग्रहों की स्थिति देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी है और शनि की भी स्थिति काफ़ी अच्छी है, बस दशा बहुत फेवरेबल नहीं चल रही है। देखिए दीपक जी, बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस समय केतु की महादशा है और वो बिल्कुल आखिरी छोर पे है, एक वर्ष बचा है, तो जो निगेटिविटी आपके मन में आ रही है और ट्रांजिट में यानी गोचर में भी स्थिति थोड़ी सी विषम चल रही है, आप धैर्य रखिए, चीज़ें आपके सब बनना शुरू हो जाएंगी। और आप ये मान के चलिए कि फरवरी से आपके काम भी बनना शुरू होंगे, बस पॉजिटिव एनर्जी रखिए, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है कि मन में नकारात्मक विचार बहुत आएंगे कि कोई भी चीज़ है, किसी का हर चीज़ का निगेटिव पक्ष आपके दिमाग में पहले आएगा, तो पॉजिटिव रहिए और उपाय में आप गणपति जी की उपासना करिए, आपका समय ठीक हो जाएगा, परेशान में होने की जरूरत नहीं। तो उम्मीद करते हैं दीपक जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब चलिए दर्शकों जान लेते हैं शशि जी से अगली चार राशियों का राशिफल। सिंह राशि वालों के लिए फोकस है कि आज कार्य के साथ साथ अपने शरीर पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए फिटनेस पर भी ध्यान दीजिए, कुछ गेम वगैरह अपनी लाइफ में जोड़ सकते हैं, बैडमिंटन है या टेबल टेनिस है, आउटडोर गेम। अलर्ट रहना है कि ऑफिस की पॉलिटिक्स से बहुत सचेत रहिएगा, आपकी छवि पर बट्टा लग सकता है। कन्या राशि वालों के लिए फोकस है, आज आपके किए गए पुराने कार्य आपको यश प्रदान करेंगे, किसी को दिया गया धन आज मिल सकता है। और अलर्ट रहना है कि यदि आप किसी भी प्रकार का कोई नशा करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। तुला राशि वालों के लिए फोकस है, अपनों पर भरोसा रखें, यदि आपको कोई महत्वपूर्ण सलाह मिलती है तो उसको आत्मसात करिए, उसको इग्नोर मत करिएगा। अलर्ट रहना है कि यह समय विषाक्त रोगों से ग्रसित होने की आशंका है और इसके अलावा सांस से संबंधित कुछ दिक्कत हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए फोकस है, आप किसी नए काम की शुरुआत करने की अगर सोच रहे हैं तो आज कर सकते हैं, और अगर उसमें पार्टनर बनाना है तो जीवन साथी या कोई पुराना मित्र पार्टनर बन सकता है। अलर्ट रहना है कि आज मूड किसी बात को लेकर खराब हो सकता है, तो बहुत इरिटेट मत होइएगा। तो ये था अगली चार राशियों का राशिफल, कहाँ पर रहना है अलर्ट और कहाँ पर करना है आपको फोकस, ये जाना। अब दर्शकों जान लेते हैं आज का हमारा तीसरा सवाल। तो आज का हमारा तीसरा सवाल है साक्षी का, डेट ऑफ बर्थ है 5 दिसंबर 1993, समय है दोपहर 2 बजे, जन्मस्थान है बीकानेर राजस्थान। सवाल है इनका कि गवर्नमेंट जॉब इनकी लगेगी या फिर इन्हें प्राइवेट जॉब करनी चाहिए। साक्षी जी का प्रश्न है कि प्राइवेट जॉब करें या गवर्नमेंट जॉब।
देखिए, मीन लग्न है और सिंह राशि, चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, जिसके कारण मन में भ्रम रहेगा, मन अशांत रहेगा और पितृ दोष भी डेवलप है। देखिए, आपको जॉब तो अच्छी मिलेगी और प्राइवेट जॉब के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा आपको किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और आईटी से संबंधित, आप इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी क्षेत्र में आप अच्छा काम करेंगी और पहला प्रयास आपका ये होना चाहिए कि आप अच्छे से स्टडी करके और आपको जॉब में लगना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट ही सही, लेकिन प्राइवेट में आपकी उन्नति काफ़ी रहेगी। तो उम्मीद करते हैं साक्षी जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब कार्यक्रम में दर्शकों, बिना देर किए शशि जी से जान लेते हैं बाकी बची चार राशियों का राशिफल। धनु राशि वालों के लिए फोकस है, आज आपके काम गणपति जी की कृपा से सब बनेंगे, आप केवल प्रयास करिए और प्रभु को याद करिए। अलर्ट रहना है कि जीवन साथी से किसी बात को लेकर मनमुटाव होने की आशंका है। मकर राशि वालों के लिए फोकस है कि अभी तक आपने जो भी ज्ञान अर्जित किया है उसको अहंकार मत कन्वर्ट होने दीजिए, विनम्रता के साथ अपने ज्ञान को बांटिए भी। अलर्ट रहना है कि अधिक लाभ कमाने के लिए आज कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि आपकी इमेज खराब हो जाए। कुंभ राशि वालों के लिए फोकस है, आपको कर्म प्रधान रहते हुए सभी कार्यों को पूरा करना होगा और जी तोड़ मेहनत करनी होगी। अलर्ट रहना है कि दुर्घटनाओं से थोड़ा सचेत रहिएगा, वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखिएगा। मीन राशि वालों के लिए फोकस है, जिन लोगों की बैंक की परीक्षा है या SSC की परीक्षा है वो ध्यान रखें, काफ़ी मेहनत करें। अलर्ट रहना है कि कोई धन अगर मांग रहा है तो उसकी विश्वसनीयता जरूर चेक कर लीजिए, अन्यथा धन डूब सकता है। तो ये था बाकी बची चार राशियों का राशिफल। कैसा रहेगा आज का दिन ये जाना। अब वक्त है आज के आखिरी यानी कि चौथे सवाल का, और आज का हमारा चौथा सवाल है खुशबू चौधरी का। डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 1994, समय है सुबह 8:30 बजे, जन्मस्थान है मधुबनी। सवाल है इनका कि इनकी शादी नहीं हो पा रही है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, उपाय बताएं। खुशबू जी का प्रश्न है कि विवाह नहीं तय हो पा रहा है, कई बार व्यवधान आ चुके हैं, तुला लग्न है और धनु राशि है। देखिए, जो ग्रहों की स्थिति चल रही है वो विवाह कारक समय चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 जनवरी के बाद, बसंत पंचमी के बाद चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि अंतरदशा में भी गुरुदेव की कृपा दिख रही है, गुरु प्लैनेट काफ़ी एक्टिव हैं और आप बिल्कुल परेशान ना हो। और जहाँ भी बात नहीं बन पा रही है, ये मान के चलिए कि वो चीज़ अच्छी हो रही है, क्योंकि जो सुयोग वर है वो मिलना अति आवश्यक है और देव गुरु बृहस्पति ये चाहते हैं कि आपका विवाह बहुत अच्छा हो। तो ये था खुशबू जी के सवाल का जवाब। कुछ खास बातें आपको बताई हैं जिन्हें करने से जल्द ही आपका विवाह हो जाएगा। अब चलिए कार्यक्रम के आखिर में जान लेते हैं शशि जी से आज की काम की बात। दर्शकों, आज की काम की बात है, घरों में अक्सर आपके अलमीरा में, संदूक में, कई जगह पुराने कपड़े पहने हुए और वो ठीक हालत में भी हैं मानिए, और काफ़ी लंबे समय से पूरे पूरे सीज़न निकल जाता है, पहन नहीं पा रहे और वो बहुत टाइट बंधे रखे हुए हैं, पोटली में बांध के रखे गए हैं, तो उनको खोल दीजिए या उनको किसी को दे दीजिए, किसी दूसरे के उपयोग में आ जाएं। क्योंकि आपके पहने हुए कपड़े अगर बहुत दबा कर और बहुत टाइट तरीके से अगर आप कहीं रख देंगे तो मन विचलित होने लगेगा। मन अगर आपका बहुत परेशान रहता है, आपको सब कुछ ठीक है लेकिन उलझन रहती है, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप बेड में लेटें और आपको उलझन होने लगे, तो ज़रूर चेक करिए कि आपके पहने हुए कपड़े हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब मौसम आ गया, ठंड हो चाहे गर्मी हो, तो वो सारे कपड़े आप कम से कम एक बार पहन तो लें। अगर कोई ऐसे कपड़े हैं जो आप पहन ही नहीं पाते हैं और वो बंधे हुए रखे हुए हैं या कहीं बंद रखे हुए हैं,
तो उनको या तो यूज़ करिए या किसी को दे दीजिए, इससे आपके मन में विचलन जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो ये थी आज की अनमोल काम की बात, जिसका इंतजार दर्शकों आपको भी बेसब्री से रहता है। इसी के साथ साथ आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हमने जाना आज का राशिफल, साथ ही साथ जाना साल 2020 कैसा रहेगा कामकाजी लोगों के लिए। अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। जय गणपति। कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपके राशिफल और एक खास विषय के साथ। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।